इसमें जान डालोगे तो चलेगी ना। थैंक यू पापा। बेटा अब बाकी की बातें बाद में, टैक्सी आ गई है। ये क्या, आपने चेंज नहीं किया? शर्ट रखी तो थी मैंने। ये ठीक तो है। तो फिर मैं क्यों करती हूँ काम? आज के दिन भी ये पुराना शर्ट पहनना था तो मुझे बोला ही क्यों? ठीक है। हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज की शाम हम ऑनर कर रहे हैं अनंतवन की पुलिस डिपार्टमेंट को और एक ऐसे शख्स को जिसने हमें कई केस सॉल्व करने में मदद की है। ठीक लग रहा है अब? हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम? तुम हमेशा ऐसे ही रहते हो क्या, सड़े हुए? नहीं, ये खास तुम्हें देख के हो रहा है। सुना है कि आज तुम्हें सम्मानित किया जा रहा है? लोग खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं। मुबारकबाद तो मैं भी देता, लेकिन तुमने इस बार केस में कुछ ज्यादा ही वक्त ले लिया। अच्छा, मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि क्रिमिनल कौन है। देखो अब शुरू मत हो जाना। अरे मैं सिर्फ ये देखो, मैं इसे... मुझे वापस जाना। हाँ जाओ 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 भाई, अब तुम्हारा नंबर लग गया होगा। एए, कांग्रेचुलेशंस। अब मैं उन्हें बुला रहा हूँ जिन्होंने हाल ही में जोशी डबल मर्डर केस में हमारी सहायता की। कई महीनों तक जब हमें कोई सुराग नहीं मिल रहा था, उन्होंने हमें सही दिशा दिखाने और ये इतना बड़ा केस सॉल्व करने में मदद की। प्लीज कम ऑन स्टेज मिस्टर गजराज अवस्थी। धन्यवाद। आप सब लोग मुझे थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आपके घर, आपकी दुकानें, कभी कभी आपको, कभी कभी आपकी गाड़ियों को अलग अलग विचित्र नजरों से देखता हूं मैं। ये एक जासूस का काम है कि किसी भी साधारण चीज को अलग नजरिए से देखना। कभी कभार अनजाने में कोई गलती हो गई हो उससे माफी चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। थैंक यू। हाँ जी सर, आपके पिताजी जासूस थे, फिर आप, क्या आप अपने बेटे को भी यही सिखाएंगे? आशा करता हूँ ऐसा ना हो। मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माताजी का देहांत हो गया था, तो अपने पिताजी के साथ बड़े होते होते मैं भी उनके जैसा बन गया। मेरी वाइफ काफी हेल्दी हैं, भगवान उनको लंबी उम्र दे। सर अखबारों में अक्सर आपका नाम पढ़ा है और आज आपको सम्मानित किया जा रहा है, लेकिन कभी आपने कोई बाउंसर केस हैंडल किया है? मतलब ऐसा कोई केस जिसने आपको भी हिला दिया हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर केस के पीछे एक लॉजिक होता है। कोई तो केस होगा जो आपकी समझ के बाहर हो, या फिर हर सवाल का जवाब आपके पास है। मुझे इस बात का गुमान नहीं कि मुझे कई सवालों के जवाब पता है। मुझे इस बात का डर है कि कुछ सवालों के जवाब नहीं होते। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।
Isn't it a lovely place? I don't know. It's quite dead now. इतनी दूर आसपास कोई नहीं है. मैं हूं ना, तुम्हें और क्या चाहिए? खाना ऑर्डर कर दिया है. क्लोजेस्ट प्लेस वाज चाइनीज. ग्रेट. केबल और वाईफाई कनेक्शंस कल तक हो जाएंगे. तुम्हारे बुक्स ढूंढ सकती हूँ. और आई कैन एंटरटेन यू. आई एम एक्चुअली रियली टायर्ड. देखो नया घर है, शुद्धि तो करनी पड़ेगी. टायर्ड. प्लीज स्टॉप. दरवाजा बंद करके आती हूँ. आदि. I'm going to bed. आज तो क्रिसमस ईव है, डोंट गो. आई नो, लेकिन बीमारियां हॉलीडे देखकर नहीं आती. लेकिन तुम तो एमडी हो, कैंसिल कर दो. आई कांट, बोर्ड मीटिंग है रिगार्डिंग द टेक ओवर. A little closer. सॉरी सुनाई नहीं दिया. हाँ मैं घर पे ही हूँ. आई वॉज इन द किचन. आई वॉज हाँ मैं घर पे ही हूँ आदि. हाँ दवाई ले ली.
Listen, I was thinking for dinner, how about I make pasta? गजराज बस्ती कहीं बारिश हो रही है नहीं कोई प्रॉब्लम हो तो लोग पुलिस के पास जाते हैं आपने एक डिटेक्टिव पर फोन किया फोन पे आपकी आवाज में नमी और घबराहट थी शायद खुद की प्रॉब्लम को लेके या इस प्रॉब्लम को लेके कि आपने एक डिटेक्टिव को फोन किया दोनों सूरतों में डिटेक्टिव आपके घर आए जाए शायद आपको अच्छा नहीं लगता क्या प्रॉब्लम है कोई हमें अटैक कर रहा है इसके लिए तो आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था नहीं यहाँ जो हो रहा है बहुत अलग है उस दिन मैं किचन में थी जस्ट 5 सेकंड के लिए बाहर गई और जब मैं वापस आई सारे कैबिनेट डोर्स खुले थे मुझे याद जब घर का पोजेशन मिला इट वॉज माई बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे मौसम खराब था तो उस रात यही रुक गए आर यू ड्रंक लेकिन उस रात भी अजीब सा डरावना सपना आया का मेरा वहम था
जब नए घर के लिए शॉपिंग करने गए तो अचानक से आई थिंक इट लुक नाइस इन द स्टडी. आपको क्या लगता है? I'm sure दोनों हादसों के पीछे एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है. ये एक इत्तेफाक हो सकता है. आप समझ नहीं रहे. देखिए जो हो रहा. हर प्लग्ड इन अप्लायंस स्टैंड बाय मोड पे एक एनर्जी ब्लीड करते हैं. ये अप्लायंस के आइडल होने पे हो सकते हैं. इसे फैंटम या वैम्पायर एनर्जी कहते हैं. कभी कभी ऑफ होने पे अपने आप चलते रहते हैं. ललित लाइट्स फ्रॉम 1953 से आज भी वही लाम रोड पे है. चरणदास मेहता के बेटे ललित, ललित मेहता के बेटे राजवीर मेहता आज भी वही दुकान चलाते हैं. इन 64 इयर्स में उनके पास एक पुराना शैंडलियर है जो बिकाऊ पर्पस के लिए बिल्कुल भी नहीं था. अचानक गिर जाता है. तो अब भी कोई ऐसी चीज है जो मुझे समझ में नहीं आती. लीजिए देखिए. क्रिस्टल्स शैंडलियर के गिरने के बाद. इतना बड़ा शैंडलियर जमीन पर गिरता है और कुछ क्रिस्टल्स एक ही जगह जाकर ये परफेक्ट क्रॉस फॉर्म करते हैं. यू थिंक दिस इज लॉजिकल? आगे स्वाइप कीजिए. फ्रॉम द मिक्सर टू द वॉल. दिस इज नॉट अ कोइंसिडेंस. अवस्थी जी कुछ हो रहा है. कोई सेंस बन रहा है आपके लिए? पहला इंसिडेंट या अटैक जैसा कि आपने बताया तब हुआ जब आप यहां पे शिफ्ट हुए और सेकंड बर्थडे पे. दोनों इंपॉर्टेंट डेज थे. मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कुछ इंपॉर्टेंट है या होने वाला है आपकी लाइफ में, जैसे कि एनिवर्सरी, फंक्शन, फेस्टिवल. अगले हफ्ते इनका एनुअल सेमिनार है. ओके श्योर नहीं हूं लेकिन एक सोच है जिससे शुरुआत की जा सकती है. मैं आपके टच में रहूंगा. आपके डिटेल्स, डेटा, हिस्ट्री, बहुत कुछ है रिव्यू करने के लिए. और हाँ, इस बीच कुछ भी हो बेझिझक आप मुझे फोन कर लेना. मेरे कैबिन में आओगी? जी सर. रावत हाउस के 1 किलोमीटर के रेडियस में मुझे डिटेल्ड मैप चाहिए. कल वाली फाइल रेडी है? सर सुबह से उसी पे काम कर रहा था. सुबह से? तुम तो अभी 20 मिनट पहले आए हो. नहीं सर, मैं तो सुबह आ गया था. सुनो तुम लेट आए हो. तो साइकिल भी ठीक से पार्क नहीं. आते के साथ तुमने चाय बनाई. तुम्हारे स्वेटर पे बेकरी के चूरे लगे हुए थे जो साबित करते हैं कि तुमने चाय और बिस्किट बड़े आराम के साथ खाए. टेबल पे पैर रख के तुमने कंप्यूटर ऑन किया. तुम्हारे जूतों में अभी भी घास लगी हुई है जिसकी कुछ पत्तियां तुम्हारे टेबल पे पड़ी थी. कुछ सेकंड पहले तुमने चाय पी. गर्म चाय के वेपर्स तुम्हारे ग्लास पे लगे हुए थे. टेबल पे पैर रख के कंप्यूटर तो ऑन किया लेकिन काम करने के लिए नहीं, सॉलिटेयर खेलने के लिए. सर सॉलिटेयर का कैसे पता लगा? आते वक्त तुम्हारे ग्लासेस में ग्रीन रिफ्लेक्शंस और चेहरे पे काम था. काम से तो नहीं थे. मेरे साथ काम करना है तो काम करना होगा, समझे? जाओ फाइल लेके आओ. जी.
लगता आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है। अगर मारना था तो बहुत आसान था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हर बार चीजें छू के निकल गई लेकिन लगी नहीं, क्यों? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? अपनी हेल्प कर लो, काफी है। चेस? चेस पे हूँ, टाइम नहीं है। अरे इससे दिमाग तेज और तर्रार होता है, खेलो 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 खेलो। चेकमेट। अरे ये तो टाइम नहीं है। लेकिन टर्न तो मेरा था। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शालिनी प्रधान का, जिन्होंने ये प्रेजेंटेशन दिया और गुड लाइफ हॉस्पिटल का एनुअल रिव्यू किया। और अब हम स्टेज पे बुलाना चाहेंगे गुड लाइफ हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर को। प्लीज वेलकम डॉक्टर आदित्य रावत। थैंक यू। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम कुछ ही दिन दूर हैं गुड लाइफ हॉस्पिटल के नए विंग की शुरुआत करने में। और यह सिर्फ एक नई विंग नहीं, पर एक नई सोच होगी। एक नई सोच की हम बेसिक मेडिकल नेसेसिटी के अलावा और क्या ऑफर कर सकते हैं आम आदमी को। सॉरी अबाउट दैट, लाइक आई वाज सेइंग। कोई आवाज आई है? वी प्लान ऑन मेकिंग थ्री सेपरेट डिविजन। फर्स्ट डिविजन, द फर्स्ट डिविजन विल इनकॉर्पोरेट। जा फैन ऑफ कर जा। जी जी सर। स्टेज से डोर की तरफ फेसिंग वाले कैमरे पे हो। हाँ स्टॉप करो, रिमाइंड करो। मिश्रा जी,
इसको देखा है सर? मैं बोल रहा चर्च हर आई कार्ड पे अटेंडेंस की फोटोज है। इस लड़की की डिटेल मैच करो और मुझे फोन करो इमीडिएटली। जी सर। थैंक यू मिश्रा जी। मिश्रा जी रजिस्टर में करो। नाम बोलो। मैरी मैथ्यूज। ये नाम लो और ऑफिस जाओ। मैरी मैथ्यूज की पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब चाहिए, जब से पैदा हुई और आज तक सब कुछ। जी सर। थैंक यू। ओ मैरी। जी मैरी। वेरी स्वीट गर्ल। वो किसी आशा नाम की संस्था के साथ काम करती हैं। एक्सीडेंट विक्टिम्स हर वेनेसडे को वो उन्हें यहाँ लेके आती है प्रेयर्स के लिए। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। उनका नंबर मिलेगा? बेटा मुझे पता नहीं है, चर्च में सिर्फ प्रेयर्स में मुलाकात होती है। लेकिन अगर आपके पास आपका कार्ड है तो मुझे दे दीजिए। मैं कार्ड में स्कूटर में भूल गया, आप एक मिनट रुके मैं लेके आता हूँ। श्योर। बोलो। सर मेरी मैथ्यूज एक नॉन प्रॉफिट संस्था के लिए काम करती है जिसका नाम आशा फाउंडेशन है, हैंडीकैप और एक्सीडेंट्स के लिए। आगे बोलो। कुछ नहीं। कुछ नहीं है सर। नो ट्रेस, नो हिस्ट्री, नो मेंशन ऑफ मेरी मैथ्यूज कहीं पर भी। सोशल मीडिया पर कहीं भी नहीं है, यहाँ तक कि फेसबुक पेज भी नहीं है। सोनू मैं सच बोल रहा हूँ सर, इंटरनेट पे मुझसे बेटर स्टॉकर नहीं है। ये जो संस्था है ना आशा, उसका फेसबुक पेज है, 2 साल पहले बनाया और उसी पे एक दो बार मेंशंस है बस। सर अगर आप बोलो। कौन हो तुम? तुम्हारा रावत से क्या कनेक्शन है? अब ये मत कहना कि नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है तुम्हें उस दिन सेमिनार में, जिस तरीके से तुमने पलट के देखा मैं जानता हूं। वो कैसे क्या पंखे का या घर में मिक्सर और झूमर, कैसे कर रही हो तुम ये सब? कौन हो तुम? कल सुबह तुम्हारी क्लासेस शुरू होंगी आउटडोर। मैरी मैथ्यूज की संस्था जिस पल खुलेगी हर पल नोट करोगे, उसका पीछा करोगे। जी। मुझे उसके पूरे दिन का पैटर्न, ब्रेक्स की टाइम, उसके घर का एड्रेस चाहिए, सब कुछ, समझे? जी सर। सोनू ये तुम्हारा रियल टेस्ट है, गलती की तो मौसी को गुड बाय बोल देना। जी सर।
I'm sorry, Mr. Basti, मैं surgery के लिए late हो रहा हूँ. I can't speak right now. बहुत जरूरी सवाल है. जी. आप किसी मेरी मैथ्यूज को जानते हैं? नहीं. बहुत जल्दी जवाब दे दिया. जरा सोचिए. अगर पेशेंट है तो मैं बहुत सारे पेशेंट से मिलता हूँ. अगर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है तो मुझे याद होता. पर्सनली बिल्कुल नहीं जानता हूँ. नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी. बोलो सर. सुबह 9 बजे एंट्री करती हूँ मैं मेरी मैथ्यूज. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. आधे घंटे कुछ बातचीत चलती है सबके साथ, फिर सारे लोगों का 2 घंटे फिजियोथेरेपी होता है. 11:30 से 1 बजे तक रीडिंग और रिलैक्स करते हैं, फिर लंच. इस बीच मेरी मैथ्यूज बाहर नहीं निकलती क्या? नहीं सर. आगे बोलो. लंच के बाद कुछ देर टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं, फिर 3:30 को योगा और मेडिटेशन टेरेस पर. शाम को वो उनके साथ चाय पीती है, सारे आपस में कुछ गेम्स खेलते हैं, फिर डिनर और 9 बजे वहां से निकल जाती है. एक सेकंड, फिर से बोलना क्या बोलो. लंच के बाद कुछ देर टीवी प्रोग्राम वगैरह देखते हैं. नहीं नहीं, उसके आगे 3:30 को योगा और मेडिटेशन टेरेस पर. शाम को वो एक सेकंड, नेक्स्ट सेकंड. टेरेस पर बहुत सारे प्लांट्स हैं जी, और वो रंग बिरंगे क्या बोलते हैं उसको, ड्रीम कैचर्स हैं जी. लेफ्ट साइड में वो बड़ा सा डिश एंटीना रखा हुआ है जिसपे सैनी केबल लिखा हुआ है जी. मेरा फोन कहाँ है सर? सेमिनार में तो मेरी मैथ्यूज थी, ललित लाइट्स भी समझ में आ गया, पर चर्च क्यों टिक किया? वो तो ब्लेंडर वाले अटैक से कनेक्टेड है ना? एग्जैक्टली. अटैक हुआ 24 दिसंबर को, दिन था मंडे, और हमेशा की तरह मेरी मैथ्यूज चर्च जाती है वेडनेसडे को. लेकिन हर साल की तरह क्रिसमस ईव पर क्रिसमस मास होता है, पूरे दिन रिहर्सल चलते हैं. मेरी मैथ्यूज 100% वही थी. तीनों अटैक के दौरान मेरी मैथ्यूज 1 किलोमीटर के दायरे में थी, इसलिए उस केस का संबंध मेरी मैथ्यूज से ही है. सर पर मेरी मैथ्यूज ऐसा क्यों करेगी? यही तो जानना है. अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधे और उन्हें 5 बार और दोहराते जाए, दोहराते जाए, दोहराते जाए. वॉच आउट फॉर मी. आपको डॉग्स पसंद है? किसे नहीं पसंद डॉग्स. आई एम सॉरी टू आस्क, बट बताइए किसके साथ हुआ है एक्सीडेंट? एक्सीडेंट के सिलसिले में नहीं आया हूं मैं यहाँ पे. ओह. डॉक्टर रावत ने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए हायर किया है. इन्वेस्टिगेशन? आप मौजूद थे उस ग्रीन हिल सेमिनार में जो वो पंखे वाला एक्सीडेंट हुआ? हाँ जी. डॉक्टर आदित्य ऑलमोस्ट लेट डॉक्टर आदित्य हो जाते. सो बैकग्राउंड चेक कर रहे थे, जैसे कि कुछ सवाल हैं कि आप सेमिनार में क्यों गई थी. हमारी संस्था कई दिनों से कोशिश कर रही है किसी मेडिकल इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से जुड़ने की. इन पेशेंट्स को देखिए, एक्सीडेंट्स के बाद कोई काम नहीं देता हैंडीकैप को, पर मेडिकल केयर तो उतनी ही एक्सपेंसिव है ना. तो इस वजह से आप सेमिनार में थी? जी श्योर.
और उसके कुछ हफ्ते पहले मैं अपोलो हॉस्पिटल्स के एनुअल सेमिनार में भी थी। आप चेक कर सकते हैं। कुछ चीजें चेक की हैं मैंने। आप चर्च बहुत जाती हैं। इसका उस इंसिडेंट से क्या लेना देना? बोलिए ना, हमें हर चीज चेक करनी पड़ती है। हर वेंसडे को हम सब लोगों को चर्च ले जाते हैं, एक आउटिंग भी हो जाती है और प्रेयर्स भी। हम पूरी कोशिश करते हैं कि इन लोगों को कहीं से भी कोई भी आशा मिले जीने की। वैसे हम संडेज को उन्हें पार्क भी ले जाते हैं। नाउ इफ यू विल एक्सक्यूज मी प्लीज। आप डॉक्टर रावत को जानती हैं? नो। श्रुति, श्रुति रावत, उनकी वाइफ? जी नहीं, आई एम सॉरी। मेरा कार्ड है, कभी भी कुछ याद आए तो मुझे आप प्लीज। श्योर। इसको पहने रखना, नहीं तो फिर से खराब हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू। सर कुछ पता चला? नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। कल से गेम शुरू। डॉक्टर रावत और मैरी मैथ्यूज पर 24 घंटे नजर रखनी पड़ेगी। देखते हैं दोनों में से पहले गलती कौन करता है। बस टाइम की बात है। सॉरी, मैं पेशेंट के साथ बिजी था। रीना ने कहा कुछ अर्जेंट है? आप पेशेंट के साथ नहीं, सिगरेट पी रहे थे। आपका परफ्यूम, हम लोग कई बार मिल चुके डॉक्टर, आपको पसीने या उसकी बदबू की प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम। आपके नाखूनों पे हल्के हल्के निकोटिन के दाग नजर आ रहे हैं। आपके डेस्क पे रखा हुआ स्ट्रॉन्ग मिंट का ये बॉल आते के साथ जो आपने लिया, ये भी बता सकता हूँ किसके साथ पी रहे थे। था पर लिसन, यू लिसन डॉक्टर, मैं अपने काम में बहुत परफेक्ट हूं, शायद यही प्रॉब्लम है मेरी।
पर मैं भी आपको पकड़ नहीं पाया जब मैंने पहली बार आपसे पूछा कि मेरे मेथुस को जानता हूँ। आपने कहा नहीं, एक आम आदमी इतनी आसानी से झूठ नहीं बोल सकता। पकड़ लेता हूँ मैं। देखिए, आपके पर्सनल लाइफ में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर ऐसा क्या है जो छुपा रहे हो? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ब्लैकमेल, क्या? अगर अपने वाइफ को रास्ते से हटाना है ना, तो कुछ और सोचना पड़ेगा। मिस्टर अवस्थी, मैरी मैथ्यूज को कब से जानते हो? मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। अभी भी बाल भर का फर्क नहीं है आंखों में, सांसों में। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलते हो। क्योंकि ये झूठ नहीं, सच है। मैं किसी मैरी मैथ्यूज को नहीं जानता। अंजलि मल्होत्रा है। अंजलि मल्होत्रा? करेक्ट, अंजलि इंडस्ट्रियलिस्ट राकेश मल्होत्रा की बेटी है। एंड वे फैमिली फ्रेंड्स। सिर्फ गूगल करने की जरूरत थी, सारे डिटेल्स मिल जाते। अगली बार अपॉइंटमेंट लेकर आना। सवाल तो सही पूछ रहे हो ना अपने आप से। तुम किसी भी वक्त आ जाते हो। घड़ी तो तुम ठीक कर रहे हो भाई, वक्त का हमें कैसे पता चलेगा? कब मिलेगी? मिल जाएगी। कोई और सवाल? सवाल ये नहीं है कि क्या ये दोनों एक जैसे लगती हैं। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ये भी नहीं है कि क्या ये दोनों एक ही इंसान है। जो सवाल तुम्हें तकलीफ दे रहा है वो ये है कि ये जो भी है इसे डॉक्टर से क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये जो भी है डॉक्टर के लिए खतरा है। करेक्ट, बहुत बड़ा खतरा है बेटा। ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत करो। अभी जाइए, आप काम है मुझे। जाइए जाइए। तू किधर जा रहा है? इधर। चलो फिर मैं चला, मेरा काम तो हो गया। अब तुम दोनों खेलो केस केस।
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मेरे मैथ्यूज पर नजर रखने को कहा था ना। जी वो आज मेरी सारी ग्रुप के साथ प्रोटेस्ट पे गई है। प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट कहाँ? सब जगह, मेन मार्केट और आसपास। आसपास? आसपास का मतलब समझते हो? वो कहीं भी जा सकते।
और यशोति कुछ वक्त से बीमार है, डिप्रेशन। कभी कभी उससे फिट्स आते हैं एंड कभी शी हलूसिनेट्स। आपको नहीं लगा कि ये बात मुझे जाननी चाहिए थी? ये पर्सनल बात है, हम इस बारे में बात नहीं करते। एक दो साल पहले श्रुति स्लिप्ड इनटू अक्यूट डिप्रेशन। श्रुति के यहां आने का एक बड़ा कारण ये भी था, लेकिन जब से हम आए कुछ ना कुछ हो ही रहा है। आपने बताया था कि अंजलि मल्होत्रा फैमिली फ्रेंड है, क्या कोई आइडिया है कि वो शहर छोड़ के क्यों चली गई? पता नहीं, लेकिन अंजलि मल्होत्रा का इस केस से क्या लेना देना है? पता नहीं, कुछ बातें आपको पता नहीं कुछ मुझे, बस यही तो पता लगाना है। श्रुति इज रेस्टिंग, आई हैव गिवन हर एन इंजेक्शन, शी इज गोइंग टू बी फाइन। वैसे आप जो प्रॉब्लम्स बता रहे थे मेरी तो समझ के बाहर है, मैंने उनकी बॉडी का चेकअप किया, एक नई प्रॉब्लम है। रिलैक्स, इट्स अ हैप्पी प्रॉब्लम, शी इज प्रेग्नेंट, सो कांग्रेचुलेशंस, वी विल कीप इन टच। आप खुश नहीं लग रहे हैं। आई एम सॉरी, इतना कुछ हुआ है। श्रुति की कंडीशन इज लिटिल ओवरवेलमिंग। जाइए फिर सेलिब्रेट कीजिए, मैं फोन करूंगा आपको। जी मासी सुनो ना, एक जी वो सोनू आया है माफी मांगने। अरे मेरी बात तो सुनिए सर, सॉरी। देखो मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, ये रहस्य और क्राइम की किताबें पढ़ना काफी नहीं है, ये सीरियस काम है। तुम्हारी लापरवाही की वजह से किसी की जान भी जा सकती है। सर सॉरी सर, सर सुनिए तो सर, सर सर आइंदा नहीं होगा सर, सर सॉरी सर प्लीज। मुझे पता है कि वो दिन याद करना मुश्किल है तुम्हारे लिए, पर ये जरूरी है, वरना मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देता। थैंक यू। अंजलि और मैं फर्स्ट ईयर से ही साथ में थे, BFFs, बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर। अंजलि हैड अ मैसिव क्रश ऑन अर्जुन। उस रात 24 दिसंबर क्रिसमस ईव की पार्टी थी मोनू के फार्म हाउस पर, हमें उस रात वहां जाने ही नहीं चाहिए था, पर अर्जुन आस्ट अंजलि इफ शी वाज गोइंग। व्हाट? आई एम नर्वस यारिम, व्हाट अबाउट? फिर दैट्स फॉर मोनू। अंजी स्टॉप, गॉश ग्रेट, नाउ आई हैव टू ड्राइव यू बैक।
अंजलि, अंजलि, वेट अंजलि, अंजलि, व्हाई शी एक्टिंग लाइक दैट? आई हैव नो आईडिया. दैट वाज द लास्ट आई सॉ ऑफ हर. जब एक दो दिन बाद भी उसका फोन नहीं आया तो मैं उसके घर गई और आंटी ने एक्सीडेंट का बताया. एक्सीडेंट? हाँ, उस रात अंजलि का एक्सीडेंट हुआ था, पर आंटी ने बताया कि सब कुछ कंट्रोल में था एंड देन शी मूव्ड टू एलए. रिमल, क्या तुम्हें अंजलि की कोई भी बात अजीब सी लगती थी, कुछ भी, जब से तुम उसे जानती हो? अंजलि एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की थी. वो और लड़कियों की तरह बिगड़ी हुई नहीं थी, कुछ करना चाहती थी, हमेशा अच्छा सोचती थी. सोचा है कि कुत्ते से भी डरती थी. आदि, आदि, आई थिंक हमें इसके बारे में बात करना चाहिए. आदि, कैसे? How the bloody hell did you get pregnant? Huh? How? It's not like we have sex anymore. It's a simple question. How did you get pregnant? My birthday. I was drunk. कैसे मत बोलो? बोलने के लिए कुछ बचा नहीं हमारे बीच. So selfish. I have nothing to say to you, honestly. ऐसे मत बोल. Mm-hmm.
पढ़ो। चाय लोगे? नहीं नहीं कुछ नहीं। जी पानी। बोलो। जी 2014 24 दिसंबर की रात को अंजलि मल्होत्रा मनोज चड्ढा के फार्म हाउस गई थी क्रिसमस ईव की पार्टी में। वो पता आगे पढ़ो जहां से वो पार्टी छोड़ के निकली थी। जी सर 24 दिसंबर लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। अंजलि मल्होत्रा अपनी गाड़ी खुद चला रही थी ब्लू एसयूवी 3012 नेशनल हाईवे 21 पर। शहर के लिए एक बाईपास है कांस गांव से शॉर्टकट वो ही लेकर घर लौट रही थी जब अचानक से सामने से ट्रक से टक्कर हुई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। ट्रक ड्राइवर रमाकांत यादव जो बंधु ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता था अंजलि मल्होत्रा को पास वाले गुड लाइफ हॉस्पिटल ले गया जहां उन्हें ट्रीटमेंट मिली। गुड लाइफ आगे पढ़ो। सर बस इतना ही है। बस इतना ही? हाँ जी। उस ड्राइवर या कंपनी पे कोई क्रिमिनल चार्जेस? नहीं सर। इंश्योरेंस क्लेम? नहीं सर। रिपोर्ट चेंज की है। मुझे यकीन है कि कुछ पन्ने फाड़े गए हैं। हेलो मिस्टर अवस्थी यू वेलकम आइए। बोलिए मिस्टर अवस्थी मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? जैसे कि मैंने आपको फोन पर बताया कि मैं केस के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं आपकी बेटी अंजलि के बारे में जानना चाहता हूं खासकर एक्सीडेंट की रात के बारे में। पर वो सब तो पुलिस रिकॉर्ड्स में है ही। जी देखे मैंने लेकिन मैं सच जानना चाहता हूं। मतलब आप कहना चाहते हो कि पुलिस रिकॉर्ड सब झूठे हैं? जी मिस्टर अवस्थी। देखिए मिस्टर मल्होत्रा एक बात कंफर्म है और जिसके कई विटनेस हैं अंजलि जब पार्टी में एंटर की तो 2-3 ड्रिंक पी चुकी थी और जाते वक्त कुछ और एक्सीडेंट के वक्त कम से कम हाफ बोतल अल्कोहल उनके सिस्टम में थी जो रिकॉर्ड में नहीं है। मैं सच जानना चाहता हूं और मैं पुलिस नहीं हूं। थैंक गॉड अंजलि बच गई पर उसे कुछ फेशियल सर्जरी की जरूरत थी कॉस्मेटिक सर्जरी इसलिए हम उसे एलए ले गए क्योंकि रिकवरी पीरियड लंबा था। बस एक दिन उसने डिसाइड किया कि वो वहीं सेटल होना चाहती है। मैं पूरा सच जानना चाहता हूं मिस्टर मल्होत्रा। जहां तक मैं जानता हूं आशा फाउंडेशन लॉस एंजलिस में तो नहीं है। कॉस्मेटिक सर्जरी से कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं जो नहीं हो सकती वो है इंसान की हाइट और स्किन के डिटेल्स वगैरह। मैरी मैथ्यूज और अंजलि एक ही है मिस्टर मल्होत्रा। इससे पहले कि आप कोई दूसरी कहानी रचे याद रखिएगा डीएनए टेस्ट हर चीज कंफर्म कर देगा। एक्सीडेंट के बाद अंजलि लॉस एंजलिस गई थी। वहां पर एक टॉप कॉस्मेटिक सर्जन ने उस पर काम किया। उसने उसे एक नया चेहरा दिया। फिर जब अंजलि लौट कर वापस आई तो अपनी नई जिंदगी और नया चेहरा लेकर वो एक नया इंसान बन चुकी थी। बहकी बहकी सी बातें अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी थी। फिर वो जुट गई अपने जैसे एक्सीडेंट विक्टिम्स की जिंदगियों को सुधारने में। वो नहीं चाहती थी कि किसी को पता चले कि वो राकेश मल्होत्रा की बेटी है या उसका पास्ट क्या है। हमने उसकी इस बात की रिस्पेक्ट की और मैं चाहता हूं कि आप भी रिस्पेक्ट करें प्लीज। ये मेरा कार्ड है कभी भी कुछ भी सच याद आए तो मुझे जरूर फोन करना। जब अंजलि को गुड लाइफ हॉस्पिटल लेके गए
तो आई एम श्योर आपके दोस्त डॉक्टर आदित्य ने हैंडल किया होगा। जी पता नहीं मुझे बताने क्यों भूल जाते हैं। मुबारक हो। सुना है घर में खुशी आने वाली है। जब से आपको मिला हूं पहली बार मुस्कुराते हुए देखा है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। जैसे इसी का इंतजार था जिंदगी की कमियां जोड़ने में। आपके बच्चे हैं? 4 साल पहले मेरी पत्नी का मिसकैरेज हुआ सेकंड टाइम। फिर उसके बाद हमने ट्राई करना छोड़ दिया। कई मन्नतें मांगी लेकिन हम हमेशा धोखे धोखे रह गए। अपने बच्चे को तो मैं बचा नहीं पाया लेकिन आपके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा चाहे जो हो जाए। सॉरी मिसेस रावत, कुछ सवाल हैं जो मुझे करने हैं आपसे। पूछिए। क्या आप किसी अंजलि मल्होत्रा को जानती हैं? नहीं। 2 साल पहले की बात है जब आप एक दूसरे के साथ काम करते थे। उनके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, किसी एक को याद रखना इम्पॉसिबल है। मिसेस रावत आपने क्यों छोड़ दिया साथ हॉस्पिटल? आप भी तो डॉक्टर थी। एक ही घर में 2 डॉक्टर्स हो तो। घर बीमार हो रहा था फिर हम यहाँ आए और मैं सब में बिजी हो गई। सोचा कि नई शुरुआत करेंगे लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। कुछ पता चला उस मैरी मैथ्यूज का? मैरी मैथ्यूज और अंजलि मल्होत्रा एक ही इंसान है क्या? एक बार फिर सोच लीजिए, क्या आप अंजलि मल्होत्रा को जानती हैं? नहीं। लेकिन हम चाहते कि जो कुछ हो रहा है वो खत्म हो जाए। तो फिर एक ही रास्ता है, अंजलि मल्होत्रा और डॉक्टर रावत को एक जगह मिलाना होगा क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेरी भी समझ से बाहर हैं। But why? Is this really necessary? I mean, it might be very dangerous. Listen, let's just do it. I'm tired of this now. मैं डॉक्टर हूं, इन सब चीजों में यकीन नहीं रखता हूं। बस उसमें जो दिखाई देता है। अगर कुछ दिखाई नहीं देता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं, बस वहां रोशनी कम है।
आपने तो कहा था कि कोई कनेक्शन है। मुझे पता था ये पूरा वेस्ट ऑफ टाइम होगा। चौबीस दिसंबर लगभग रात के 1:30 बज रहे थे। अंजलि मल्होत्रा अपनी गाड़ी खुद चला रही थी। ब्लू एसयूवी 3012 नेशनल हाईवे 21 पर। शहर के लिए बाईपास है, कांस गांव से शॉर्टकट। वो ही लेकर घर लौट रही थी जब अचानक से सामने से ट्रक से टक्कर हुई जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ।
क्या सोच रहे हो? तुम मेरा पीछा कर रहे हो क्या? इस कहानी का अगला पहलू अस्पताल है, यही सोच रहे हो ना? पुलिस की रिपोर्ट झूठी है, अंजलि मल्होत्रा बात नहीं करेगी, एक्सीडेंट का कोई विटनेस नहीं है, तो अगला कदम अस्पताल ही होगा ना? हो सकता है, लेकिन सोचो ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें यहां तक खींच कर लाई है? कुछ तो है जो तुम्हें तकलीफ दे रहा है। ट्रक ड्राइवर रमाकांत यादव जो बंधु ट्रांसपोर्ट के लिए काम करता था, अंजलि मल्होत्रा को पास वाले गुड लाइफ हॉस्पिटल ले गया जहां उन्हें ट्रीटमेंट मिली। करेक्ट, यही बात तुम्हें पहले दिन से सता रही है। इस कहानी का हर पहलू तुमने सुना है, सिर्फ ट्रक ड्राइवर का छोड़कर, जो इस हादसे का ओनली आई विटनेस है। मेरे पीछे आने की कोशिश मत करना। साला एक्सीडेंट के बाद तो कोई नौकरी पे भी नहीं रखता। सोचो, मैंने तो उस लड़की की जान बचाई थी। पूरे बॉडी में रॉड थी, इधर इधर इधर, एकदम दबा के अस्पताल लेके गया था। मेरे को क्या मिला? लात। रास्ते पे छोड़ दिया साला भीख मांगने। एक मिनट, उस रात को हुआ क्या था? रूटीन ट्रिप था, शहर में माल ड्रॉप करके ट्रक लेके वापस घर जा रहा था। सुबह पता चला लड़की बच गई, फिर निकल गए। अपने को क्या मिला? लात। हमेशा इतना ही पीता है क्या? अगले दिन क्रिसमस था, बीबी बोला बच्चों को लेके मेले में जाना है, पीना मत। मैं कसम खाता है मैं नहीं पिया था, क्या फायदा? सब लोगों को बोला, पी के चला, निकाल दिया। ये साले आमिर हम लोगों को हमेशा जूते के नीचे रखेंगे। अपॉइंटमेंट लेने ही वाला था। टू लेट, एक इम्पोर्टेंट बात करनी है आपसे। मिस्टर अवस्थी, अब से हमें आपकी जरूरत नहीं है। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे मेरी बात। मिस्टर अवस्थी, आपके जितने भी बिल्स हैं भिजवा दीजिए, अब मुझे इस बारे में और कुछ डिस्कस नहीं करना है। ऑफ कोर्स आप डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल है जिनके जवाब आप देना नहीं चाहते। अंजलि मल्होत्रा की बॉडी पे कम से कम दो जानलेवा घाव थे, लेकिन पुलिस रिपोर्ट में फेशियल वुंड्स हैं। क्यों? उस रात अंजलि मल्होत्रा शराब पी चुकी थी, लेकिन पुलिस रिपोर्ट से गायब है। क्यों? अंजलि मल्होत्रा अपनी जान बचाने वाले को थैंक यू बोलने के बजाय उस पर अटैक कर रही है। क्यों? यही कुछ सवाल है जिनके जवाब आप देना नहीं चाहते डॉक्टर रावत। लेकिन याद रखना, मैं इस केस में हूं या नहीं हूं, सच तो मैं निकाल के रहूंगा, क्योंकि मैंने आपकी वाइफ को प्रॉमिस किया है कि उनके बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा।
हेलो मिसेस डावत, मुझे आपसे मिलना है अभी। आदि ने बताया कि आप केस पे नहीं हो। देखिए आप समझ नहीं रही हैं। आई एम सॉरी, मैं आज आपसे बात नहीं कर सकती, हॉस्पिटल में बहुत। मेरी मानिए, जितना हो सके हॉस्पिटल से दूर रहिए आप। वो वहाँ जरूर आएगी। हेलो, रिलैक्स प्लीज, रिलैक्स। रिलैक्स, ये इतना इम्पोर्टेंट दिन है हमारे लिए। मुझे लगा एटलीस्ट ऑडियंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस, फोटोग्राफर्स, समथिंग। सब होगा, बस ऑडियंस नहीं है। एंड कल के फन पेजेस में हमारे फोटोज जरूर आएंगे। हम बहुत करीब है, यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट मोर पेशेंट। ओके, ही इज हियर। ओके, सर। मेरे पास सिर्फ 15 मिनट है। काफी है सर। सर सर सर, एक फोटो। चलो जाओ अब। ये सब तुम्हारे लिए है, पर सबसे पहले मैं बिजनेसमैन हूं। आई नीड टू सी द नंबर्स। ऑफ कोर्स सर। तुम यहां क्या कर रहे हो? सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं यहां पे? मिस्टर मल्होत्रा, आपको देखने के बाद इस केस में उठने वाले सबसे पहले सवाल का जवाब तो मुझे मिल गया। इतनी कम उम्र का एक मामूली सा डॉक्टर इस हॉस्पिटल का एमडी कैसे बन गया? क्योंकि उसके ऊपर राकेश मल्होत्रा का हाथ था। लेकिन क्यों? What nonsense! मैं जा रहा हूं। सर दिया चला दीजिए, वरना आप शकुन होगा। लाओ। कुछ करना होगा, प्लीज।
I'm sorry. अगर हमने कुछ गलती किया, I'm sorry. अगर हमने कुछ गलती, please हमें माफ कीजिए, please. मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है. ऐसे नहीं कर सकते, तुम ऐसे नहीं हो. ये तो मैं तुम्हारे बच्चे से अलग करना चाहती हूँ. मैं इसके बच्चे को कुछ नहीं हो दूंगा, चाहे जो हो जाए. मैरी मैथ्यूज, ये एमी आर मैथ्यूज इनकी बेटी. बोल बोल बोलो. यही तो एमी चाहती थी. आगे की कहानी आप बोलोगे कि मैं बताऊं? Adi, it's getting late. हमें सच में अकाउंट्स के बारे में बात करनी है. We're not doing as well as you think. Okay, this I don't have time for. I'm going. Really? Oh my God, you're so corny. सुबह वापस आना है. I'm getting really tired. I can entertain you. No. Doctor! Emergency case. Doctor. क्या हुआ? Road accident case, sir. Get the OT ready. डॉक्टर, मेरी बेटी अंजलि, हाउ इज शी? क्या हुआ उसे? आप कुछ बोलते क्यों नहीं डॉक्टर? सर, शी सफर्ड अ मायोकार्डियल कंट्यूजन. आई डोंट थिंक वो बच पाएगी. आप मुझे नहीं जानते डॉक्टर.
मेरा नाम राकेश मल्होत्रा है। मैं अपनी बेटी को अभी के अभी यूएसए लंदन किसी भी बड़े डॉक्टर के पास ले जा सकता हूँ। मैं पूरा का पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता हूँ। बस किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लो। मिस्टर मल्होत्रा, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। Her heart is damaged beyond repair. एक रास्ता है। तुम क्या बोल रही हो? एक तरीका है। क्या? वो लड़की। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सोचो आदि, दोनों के ब्लड ग्रुप सेम है। I don't think you're thinking straight. वो कई महीनों से कोमा में पड़ी है, कभी भी मर सकती है। ये डिसाइड करने वाले हम कौन होते हैं? लाइफ में ऐसे मौके नहीं मिलते आदि। सोचो मत डॉक्टर, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा। ये पूरा हॉस्पिटल समझो तुम्हारा। बस एक बार मेरी बेटी को बचा लो। कई महीनों से ऐसे ही पड़ी है। It's a waste of a hospital bed. But she's showing signs of improvement. What signs? She's a vegetable. मेरी बात मानो आदि, इस टाइप ऑफ कोमा से बहुत कम लोग वापस आते हैं। पर आते हैं, सालों के बाद भी आते हैं। प्लीज प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तुम बहुत सोच रहे हो आदि, जस्ट पुल द प्लग। नो, श्रुति, she just moved. तुमने देखा? she just moved. क्या मूव? तुम्हारा दिमाग गेम्स खेल रहा है आदि, कुछ नहीं हुआ। जस्ट डू इट। नो, आई कांट डू दिस। बाहर इन्फॉर्म करती हूँ, प्रेफर सर्जरी। डॉक्टर प्लीज डोंट वेस्ट टाइम। इधर देखो, यहाँ वो सामने। जवाब दो, जवाब दो। आपसे माँ बाप के अलावा ओल्ड एंड हैंडीकैप लोगों की मदद भी करती थी। शी वॉज अ गुड सोल। मार दिया तुम तीनों ने मिलके उसे, इसी रूम में।
प्लान अच्छा था, पर एमी को जान से मारने का गिल्ट जब श्रुति को पागल करने लगा तो आपकी पर्सनल लाइफ में दरार आ गई। अपने रिश्ते को संभालने के लिए आप शिमला छोड़ के यहाँ शिफ्ट हो गए। अनंत वन हेलुसिनेशन डिप्रेशन की दवाइयां दी गई, लेकिन शायद आपको पता नहीं था कि अंजलि यहीं मेरी बनकर हर वो काम पूरा करने लगी जो एमी अधूरा छोड़ गई थी। और कहानी तब शुरू हुई जब तकदीर आप लोगों को एमी मैथ्यूज के पास ही लेके आ गई। जब मेरी मैथ्यूज डॉक्टर रावत पे बार बार अटैक कर रही थी तो ये बात मेरी समझ के बाहर थी। मैंने सोनू से चर्च वाला इंसिडेंट रिकॉर्ड करवाया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि मेरी मैथ्यूज को खुद खबर नहीं थी कि वो क्या कर रही है। उसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो रहे थे। क्यों? जब फर्स्ट टाइम मैं इनके ऑफिस गया तब पता चला। इनके डेस्क पर एक दवाई रखी हुई थी, सॉर्बिट्रेट पिल्स, एक खास शेप में बनी होती है, एमरजेंसी पिल्स फॉर हार्ट पेशेंट्स। एक 25 साल की लड़की के पास ये पिल्स क्या कर रही थी? क्या अंजलि मल्होत्रा का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था? तो फिर डोनर कौन था? और फिर पता चला कि 24 दिसंबर को रूम नंबर 11 में एमी आर मैथ्यूज एक्सपायर हो गई। तुम लोगों ने एक मासूम की जान तो ले ली, पर उसने अपनी जान लगा दी तुम जैसे लोगों का सच बाहर निकालने में। कभी ये नहीं सोचा कि उसके माँ बाप पे क्या गुजरेगी? हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक ये दोनों परफेक्ट मैच थे। तो क्या ये इत्तेफाक था या फिर मर्डर? कुछ भी कर लो, सच एक दिन सामने आ ही जाता है। आप तो मेडिसिन के प्रोफेशन में हैं, आपको तो कसम खिलाई जाती है लोगों की जान बचाने के लिए। अगर किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की जान लेने का हक किसने दिया आपको? क्या सोचा था आपने, ऐसे जान बच जाएगी? सच किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये धरती का बैलेंस है जो चंद अच्छे लोगों के कर्मों से चलता है, वरना मारने वाले तो 90% लोग बैठे हुए हैं जो बुरा करते ही है, और बुरा करने वालों को सजा यही मिलती है इसी जिंदगी में। पुलिस आती होगी, झूठ बोलने की कोशिश मत करना। और एमी भी यही कही है। Congratulations. लेकिन ये केस नहीं है कोई जिसे तुम दिमाग से सॉल्व कर लोगे। दिस इज लाइफ। बड़े ध्यान से, प्यार से, जैसे मैंने तुम्हें किया है। मुझे तंग करने के अलावा और कुछ किया है? अच्छा, अब ये नया आया है ना, ये तुम्हें तंग कर लेगा। चलता हूं,
एक उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे ना मिलो तो अच्छा है, मैं तुम्हें मिलता रहूंगा। हम्म।